गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत हो चुकी है, योगा सेशन कंप्लीट हो चुका है। आज है एक बड़ा दिन, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बरसाने। आज आदू जा रहा है अपनी नानी के घर। तो आज चलते हैं, आद्विक जी को उनके नानी के घर छोड़ के आएंगे। चलिए उठिए, नानी के घर जाना है नहीं जाना है? जाना। तो चलिए नहाइए धोइए, नहाइए धोइए, नहाइए धोइए। आद्विक, आद्विक की मम्मा बिल्कुल रेडी। चले हम लोग आद्विक, आओ। हाँ ठीक है, क्योंकि सिर्फ आद्विक और आद्विक की मम्मा को जाना है, तो इसलिए बैग थोड़ा सा सामान कम भी है। चलो चलते हैं, सामान रखते हैं गाड़ी में और निकला जाए, क्योंकि 10 बज रहा है। समझे? आपकी टी शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है। चश्मा भी बनाया। अब अपना चश्मा नहीं लोगे? चलो ले लो अपना चश्मा, चलते हैं। सब है ना? छोटा तो नहीं आदू? ऑल सब है ना? चले चलो जी। अभी हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेसवे जेवर टोल टैक्स पे। यहाँ पे अभी फास्ट टैग शुरू नहीं हुआ है। न्यूज में एक्सप्रेसवे जो है फास्ट टैग हो गया है, इनेबल्ड हो गया ना, बट हुआ नहीं अभी तक। देख रहे हो आदू? वाह, खीर खाने के लिए फिर लेट क्यों करना, जल्दी चले। आदू क्लास करेगा, क्लास आदू गाड़ी में क्लास करेगा आज, ऑनलाइन का मोबाइल क्लास। आज आदू मोबाइल में मोबाइल क्लास करेगा। अक्सर हमें इस तरीके के नंबर्स दिखते हैं हाईवेज पे लिखे हुए। तो जनरली जब हम किसी एक्सप्रेसवे पे होते हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, तो इस पे ये किलोमीटर्स डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि अभी हम कितने किलोमीटर चल के आ गए हैं और कितना किलोमीटर का सफ़र अभी और बाकी है। तो ऑलमोस्ट अभी हम 55 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे पे चल के आ गए हैं और लगभग 20 किलोमीटर और हमारे घर से एक्सप्रेसवे है। अप्रॉक्सीमेटली 135 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दिल्ली से बरसाने का, और इसको 3 से 3.5 घंटे में आराम से कर लेते हैं कवर। एक बाजना कट है, बाजना कट तक हम यमुना एक्सप्रेसवे पे होते हैं और फिर वहाँ से अंदर कट जाते हैं स्टेट हाईवे की रोड से लेके फिर बरसाने पहुँचते हैं। तो वैसे बरसाने वो राधा जी, जो कृष्ण और राधा हैं, राधा जी का गांव है वो, बट मेरी ससुराल है, क्योंकि अंकिता के जो माता पिता हैं, हमारे जो सास ससुर हैं, वो अब बरसाने शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने बरसाने में घर बनवा लिया है, बरसाने में रहते हैं। तो इसी बहाने एक धाम का भी विजिट हो जाता है। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं बरसाने। Thank you.
रास्ता जो बरसाने के लिए है वो कुछ ऐसा है। रोड अच्छी बनी हुई है बट क्योंकि रास्ते में एक रेलवे लाइन है और उसके ऊपर से ओवरब्रिज बन रहा था, जिसकी वजह से रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करके खेतों के बीच से निकाल दिया। वो रोड कोई मेन रोड नहीं थी। अभी कुछ 11 किलोमीटर बरसाने के लिए और बचा हुआ है। 11 किलोमीटर 15-20 मिनट में इस रोड पे हो जाएंगे आराम से। आद्विक सो तो नहीं गए बेटा? सो तो नहीं गए? क्या कर रहे हो? खेत देख रहे हो? क्या बोए हैं सब लोगों ने खेत में? बहुत गया बरसाने। ये है कृपालु जी महाराज का मंदिर। इस मंदिर का नाम है कीर्ति मंदिर। ये राधा जी को डिवोटेड, और जो राधा जी का मेन मंदिर है वो हमें अभी आगे पहाड़ी के ऊपर दिखाई देगा। वो है मंदिर वहां पे ऊपर, हम देखें तो ये है राधा जी का मेन मंदिर। और यही सामने से जो रास्ता जा रहा है, जो गेट बना हुआ है, ये रास्ता सीधे जाता है मंदिर के लिए। देख हम लोग कहाँ आ गए, उठ जाओ। देखो नानी के घर आ गए हम लोग। पापा पेपा पिग भी है। यस, पेपा पिग भी है वहाँ पे। ये जो कितने सारे बंदर है यहाँ देखो, और बंदर का बेबी भी, वो देखो बैठे हुए सब बंदर। हाँ हाँ डालो डालो। मामा गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गर्म है ना, मत जाओ मत जाओ। हो गया खाना, बहुत सारा खाना था, पर आज थी जमाई षष्ठी, जिसका मतलब है कि आज जो जमाई है उसके लिए स्पेशल खाना, उसके लिए स्पेशल पूजा, तो आज वही था। अब इतना खाने के बाद अभी मुझे जाना है वापस भी, लेकिन पहले करते हैं थोड़ा सा आराम और फिर निकलेंगे यहाँ से वापस दिल्ली के लिए, वरना फिर आ जाएगी नींद रास्ते में। खाना बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छा खाना। अब चलते हैं नीचे, आराम करते हैं थोड़ा सा। बरसाना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्मियों के दौरान ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर हर एक घर में लोग अपने हाँ बेटा इधर आओ, छोड़ दो क्योंकि लाते हैं। तो हर एक घर में यहाँ पर बेसमेंट होता है और कमरा ठंडा बना रहता है। अभी भी लाइट नहीं आ रही है, एसी नहीं है यहाँ पर, तो उसके बाद भी कमरा काफ़ी ठंडा है। ठंडा है दादू, ठंडा लग रहा है यहाँ पे? चलो भैया अब सोया जाए थोड़ी से, फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। बाय कर दो, बाय।